तो आप व्लॉग के थ्रू देख ही लोगे, तो बने रहिए व्लॉग के साथ। तो मैं हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज हम जाने वाले हैं गांव। सो मैं आपको थ्रू आउट द जर्नी लेके जाने वाली हूँ, तो चलिए चलते हैं जल्दी से। जब भी हम गांव जाते हैं या फिर ट्रैवलिंग करते हैं तो मम्मी हमेशा ऐसे प्रे करती है और फिर हम जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो अभी ड्राइविंग सीट पे मेरा भाई है। अभी मेरा भाई गाड़ी चलाकर जाएगा आधे रास्ते तक और फिर पापा लेंगे आधे रास्ते तक, ताकि दोनों को भी कंफर्ट मिल जाए। तो अभी हम पहुंच गए हैं कल्याण ऑलमोस्ट। तो अभी हम यहाँ पर पेट्रोल भराने रुकेंगे ताकि आगे हमको जर्नी में प्रॉब्लम ना हो। बाहर तो गए थे वो। नहीं, आप अपना हाई करो। मैं और मेरी मम्मी पीछे बैठ के मस्त चिल कर रहे हैं। तो मैंने गूगल मैप पे एक लोकेशन डाला, जो हमारा गांव है नगर देवला गांव, वो डाला। बट अनफॉर्चुनेटली गूगल बाबा ने हमको धोखा दे दिया। बहुत ही लॉन्ग कट रूट उन्होंने बताया। हमें पता था रास्ता, बट हमें न्यू रूट देखना था। बट गूगल बाबा ने काफ़ी लंबे रास्ते से हमको लेके गए। अच्छा। ये हमारे दो क्यूट मंकीज है जो हमारे साथ हमेशा ट्रैवल करते हैं। ये हमेशा यहीं पे रहते हैं। Isn't it क्यूट, सो क्यूट। ओह माय गॉड, ये रास्ते के खड्डे और ट्रैफिक, व्हाट हैपेंड भाई, इतना भड़क क्यों रहा है? तो चलिए रिवाइंड करके देखते हैं। ओह, फास्टैग लगा के भी इतना स्लो डिटेक्ट कर रहा है। ओ भाई। तो वी जस्ट क्रॉस कसारा। तो हम भी यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। हमने सुबह से कुछ खाया नहीं, तो दो घंटे से हम कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो चलिए हम नाश्ता कर लेते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे ट्रैवलिंग। ओके, सो लेट मी शो यू समथिंग। ये पापा को नहीं पता है कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। कितना खुश हो गया वो बच्चा, लुक एट हिज स्माइल, वाह। सो ट्रैवलिंग में बहुत हल्का फुल्का खाना खाना था, तो हमने यहाँ पर वड़ा पाव मंगा लिया और भाई ने मिसल पाव। कुछ हो या ना हो, बट ट्रैवलिंग में चाय इज मस्ट। ट्रैवलिंग में चाय नहीं पिया तो क्या पिया यार। अच्छा, और ढाबे की चाय की तो बात ही कुछ और है। मैंने सही बोला या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
लेट्स गो। हमें लगा कि ये घोड़े हम ले लेते हैं ताकि हमको ये फंक्शन में बहुत अच्छे लगेंगे, हम रखेंगे तो दोनों। बट काफ़ी बार्गनिंग की बट हो नहीं रहा था, बहुत काफ़ी प्राइस बता रहा था वो, 500 का एक आई गेस, या फिर मतलब बहुत नेगोशिएट किया बट नहीं हुआ, तो हम लोग ने आइडिया ड्रॉप कर दिया। हमने सोचा क्या बोल रहे थे चना जोर गरम। I was like हमको तो कभी इतना प्यार नहीं किया। Yeah, just joking. सो फाइनली गाइज वी रीच हो, मतलब हम लोग गाँव में पहुँच चुके हैं जिधर हमको आना था, यानी कि नगर देवला। यार इतना हेक्टिक डे था, मैं भी आपको बता नहीं सकती। और ट्रैवलिंग में तो आपको पता ही है पूरा दिन निकल जाता है, हम लोग को वहाँ से 7-8 घंटे लगे यहाँ पहुँचने के लिए। बट फाइनली हमारा गाँव में आने का मोटिव क्या था मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, आप व्लॉग के थ्रू देख ही लोगे, तो बनी रहिए व्लॉग के साथ। तो मैं अभी के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हम मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज हमारी सुबह कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गई है, गाँव में तो आपको पता ही है कितनी जल्दी सुबह हो जाती है। तो अभी मैं आपको फ्रेश अप होके बांधे देती हूँ। तो हाँ, मैं फ्रेश अप हो गई, जिसके आप देख ही रहे हो। मौका मिला मैं आपसे बात कर पाऊँ, तो मैं आपको बताने वाली थी कि व्लॉग बनाने का मोटिव क्या है। तो घर पे है ना एक पूजा होती है, यानी कि कानबाई की पूजा होती है। हम जैसे लोग गणपति रखते हैं, वैसे ही हम लोग ये कानबाई की पूजा रखते हैं, जो कि खानदेशियों में रखा जाता है। जो खानदेशी होंगे उनको तो पता ही होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये जो पूजा है ये मेरे पापा ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब सब कुछ चीज़ें, मतलब सब सामान लाना है, फिर ये हमारे घर पे होता है, मतलब जो गांव का घर है ना हमारा, वहाँ पर ही होते हैं ये पूजा। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ थ्रू आउट दी ब्लॉग कि मतलब कैसे सब कुछ होता है, मतलब पूजा कौन सी होती है। जैसे कि आप देख ही चुके हो आधा, तो जो अभी उन्होंने गेहूँ की पूजा की वो इसलिए की ताकि वो हम लोग पूरनपोली बनाने वाले हैं, उसके लिए सब चीज़ों की पूजा करनी पड़ती है, तो वो स्टार्ट वहाँ से करते हैं और सब कुछ चीज़ें। अभी फिर बाकी हमारा जो किराना स्टोर का सामान है वो भी बाकी है लाना, तो वो अभी हम लेने जाएंगे, तो मैं भी आपको साथ में लेके चलूँगी। पूजा कैसी होती है, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, क्या क्या होता है, मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ। डांस वगैरह सब कुछ होता है, बहुत मज़ा आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हम लोग रात को यहाँ पर जागरण करते हैं एक दिन के लिए। ये कानबाई में तो सच में मज़ा जो आता है वो जागरण का ही आता है, बहुत बहुत मज़ा आता है। बट आप इंजॉय ज़रूर करोगे ये ब्लॉग को, ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। तो पूरा ब्लॉग देखना और फिर मुझे बताना कि आपको कैसे लगे। ठीक है, बाय।
ओह मैन, मुझे बहुत डर लग रहा है अंदर जाने से, क्योंकि लाइटिंग का काम अभी तक बाकी है, तो बहुत ही डरावना सा सीन हो रहा है अंदर। प्लीज़ स्विच ऑन दी लाइट प्लीज़। तो हाँ, अभी लाइट चालू हो चुकी है। तो देखिए, हमारा गांव का छोटा सा घर जो दादा दादी का था, बहुत ही प्रीशियस है हमारे लिए। जो हमारी कानबाई देवी है वो यही घर में बैठेगी। ये हमारा दादा दादी का घर है और ये पूरा 50 साल पुराना घर है, उससे भी ज़्यादा होगा। और मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि सब डेकोरेशन वगैरह सब कैसा है। इतना अमेजिंग है ना ये 50 साल पुराना, कैन यू इमेजिन गाइस। पूजा की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। सो अभी ये हमारे बड़े भाई, नहीं छोटे भाई है, वो हाइट में बड़े हैं। ये हमारे भाई, रखिए सब, ये बड़े भाई, सब सामान अभी तक रखेंगे हम। चला जी, ये हमारी आजी है। चांगला दिखती, चांगला दिखती। फर्स्ट डे हम लोग सत्या की पूजा करते हैं, यानी कि जो हमारा पेपर पे देवी का फ़ोटो होता है उसकी पूजा करते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, मेरे मॉम डैड फ़ोटो की पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग ने भाजी भाकर के रोट रखे एज अ प्रसाद, मतलब ये प्रसाद के रूप में दिया जाएगा सबको। और सभी एक एक करके सभी रिलेटिव्स यहाँ पर पूजा करेंगे, जैसे मेरे मम्मी पापा कर रहे हैं कुछ इसी तरह। नेक्स्ट डे सुबह ही यहाँ पर मेरे आजी और काकू सब लोग यहाँ पर पूरनपोली बना रहे हैं। गांव में कैसे पूरनपोली बनाते हैं वो आपको मैं दिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये क्लिप निकाली है। अगर आपको पूरनपोली बहुत पसंद है और आपको घर पे बनानी है, तो मैंने तावा पे पूरनपोली कैसे बनाते हैं वो मैंने वीडियो बनाया है, तो मैं लिंक आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। क्या आपके भाई में भी एक्सप्रेशन की कमी है? हाँ, मेरे भाई में भी है। सो अभी हम ये कान भाई जिधर बैठने वाली है उस घर में आ चुके हैं। देखते हैं कि डेकोरेशन कहाँ तक पहुँचा है। सो आई थिंक थोड़ा बहुत ही काम हुआ है, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन करता है मेरा बड़ा भाई, आप आगे देखेंगे ही। तो चलिए हम चलते हैं। यहाँ पर मम्मी और पापा पूरनपोली पूरी बन चुकी है, उसकी पूजा कर रहे हैं और वही अभी हम ये घर में रख देंगे। पूरनपोली के ऊपर अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति रखी है। इनको रखने का ये कारण है कि इनको रखने से हमेशा खाने में बरकत ही बरकत रहती है। तुम्ही परत गया, वो आ गया ना, वो स्टार्टिंग से मिस झालं गया। काय होतं नागरता नागरता सापांनी दोडी सुनीता मला गुळ गाय एवढी तुम्ही परत। लुक एट दिस डेकोरेशन गाइज, वाओ। और जितने भी डेकोरेशन में फूल फ्रूट्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, ये सब रियल है। रियल होने के कारण ये बहुत ही और अच्छा दिख रहा है। और थैंक्स टू हिम, ये मेरे बड़े भाई है जिन्होंने ये सब डेकोरेशन कंप्लीट किया है।
कानबाई देवी को ले जाते समय छोटे छोटे बच्चों को ऐसे नीचे लेटा दिया जाता है और उनके ऊपर से फिर कानबाई देवी जाती है, उसे काफ़ी शुभ माना जाता है। अभी कानबाई देवी को मम्मी के सर के ऊपर रखेंगे और फिर मम्मी उसको बैलेंस करते हुए चलेगी और नाचेगी भी साथ में, और फिर थोड़ी दूर जाते ही सभी रिलेटिव्स भी लेंगे जैसे मम्मी ने सर पे लिया है। आप वीडियो में आप देखोगे ही, सभी लोग मस्त नाचेंगे, फुगड़ी खेलेंगे। आप वीडियो में बने रहिए, देखिए और इन्जॉय कीजिए। Thank you.
हम वो जगह पे पहुंच गए हैं, कान्हाई देवी को हम स्नान करवाएंगे और उनकी पूजा करेंगे और वापस घर लेके आएंगे, हम विसर्जन नहीं करते। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।